तो मैं हाँ मोहम्मद जवेद, तो सारे देखो मेरा यूट्यूब चैनल जवेद ब्लॉग्स। सारे चैनल दी वीडियो को डिठा भी करो और कमेंट्स भी कितने करो, और अगर मेरे चैनल उत्ते नवे आए हो तो अगर मेरी वीडियो अच्छियाँ लगी होवन, कारकर्दगी अच्छी हो तो बर मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करो। ठीक है, आज का मेरा जरा ब्लॉग है वो बहुत ही गमगीन और अफसरदा है। उनकी वजूहत ये हैं कि अज मेरे गाँव के मेरा एक पड़ोसी, साढ़ा एक यार, साढ़ा एक दोस्त साढ़े को जुदा थी जी। वो आर्मी का सपूत, आर्मी का सिपाही, साढ़े गाँव का, साढ़े चक का फखर, साढ़े जिले का फखर, रोजे की हालत के अपनी ड्यूटी तो वापसी आंदा हो रस्ते दे एक्सीडेंट की वजह नाल शहीद हो गए। तो अज वो को मुकम्मल फौजी एजाज़ के नाल जरा है ना उनकी तदफीन की गई है साढ़े करीबी कब्रिस्तान के मुकम्मल आर्मी के मुकम्मल प्रोटोकॉल के नाल, मुकम्मल एजाज़ नाल, मुकम्मल बाइज्जत तरीके नाल उनकी जी है तदफीन की गई है। तो उन्हें नमाज जनाजे देते जनाब असा बहने हैं, तो तुस भी आओ नमाज जनाजे शिरकत करो। तो जुलते हैं नमाज जनाजे ते, ते मजीद उनकी मगफरत वास्ते जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भरा, मेरे वीवर मेरी वीडियो वाच करेंगे पे हो, देखते पे हो, उनकी मगफरत वास्ते लाजमी अज जड़ा है ना तुसा दुआ करे सो। क्यों एक मुसलमान भाई अगर जहाने फाने तो चला वजे तो बाकी मुसलमान बिरा उन्होंने फर्ज बनता है कि उन्हें वास्ते मगफरत की दुआ लाजमी करें। तो वह सबको बहुत अफसुरदा कर गए, बहुत गमगीन कर गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह की जात उन्हें बच्चों को अजरे अजीम देवे, उन्हें नेबुल बदल अता करे। अल्लाह की जात उन्होंने लवाहिकीन को और उन्हें बूढ़े माँ बाप को सब्र जमील अता करे। ठीक है, नौजवान औलाद की जड़ी है ना अपना फौत की या उन्हों का टुर वजना वो माँ बाप वास्ते एक बहुत व्डा एक इम्तिहान होंगे। इम्तिहान तो मेरे रब की तरफों आते इंसान उत्ते, इंशाल्लाह अल्लाह की जात ये इम्तिहान कहीं मुसलमान उत्ते ना पावे। तो आओ जुलते हैं कब्रिस्तान वाले पास, नमाज जनाजे वाले पास आओ। कब्रिस्तान असा पहुँच गए हैं, कसीर तादाद के लोग नमाज जनाजा वास्ते आते पैन। हाले जनाजे थोड़ा जहा टाइम रहा है, 3:30 बजे का टाइम है। गलबन हो पैन 3 बज के तो मेरे खाले 15 मिनट आर्मी दड्डिया भी पहुंचिया खड़ोती अपने मुकम्मल दस्तान के नाल। तो लोग जोड़ा है ना दूर दराज तो जिमें कहीं सुना है वसेब के लोग, दूर दराज के लोग, दोस्तों बाबा या रिश्तेदार वो जड़ा है ना हूँ आहिस्ता आहिस्ता कब्रस्तान वाले पास आते पे। बस जनाजे का टाइम भी नज़दीक थींदा पे, तो जमात जनाजे वास्ते जी मैया थे वो भी घरों रवाना हो चुकी है। बस चंद लम्हा बाद थोड़ी देर बाद इतना जनाजा गाह के पहुँच गए सी। उस तो बाद इमाम साहब भी आ गए, जमात जनाजा थी सी। जमात जनाजे तो बाद आर्मी के जो दस्ते हैं उनको सलामी पेश करे सन उनकी तनखीन वास्ते। देखो लोग जड़ा है ना जनाह के वास्ते आते पैन, बहुत ज़्यादा लोग आते पैन। मजीद तक दिखाने वो
पीछे जाओ यार, बच्चे बच्चे छोटे पीछे 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 भाई पीछे देख जाओगे हाथ तोड़ के गया स्लेपा तो पिछे छोड़ छोड़ने
डायरेक्शन ठीक चल रहा है। वो कबर देते हैं छोड़ दे सर, वो निकाल लेते हैं फिर उत्तर देख पो यार बाजो पिछे थोड़ा पीछे हट जाना स्लिप पीछे बलाड़ी पैर चुक लगा रहे टाइम चल रहा है।
सर जनाब आपकी इजाजत आप कार्रवाई जारी रखो। कुल शरीफ अलहम शरीफ पढ़ो खड़े भाई, जो जो सूरत आंदी ने थोड़ी बहुत कलमा शरीफ कुछ ना कुछ। सब किधर है? तीसरी पे दुआ होगी।
आमीन अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि रब्बिल आलमीन। हम सब ने मिलकर जो भी कुल कलमा पढ़े जिक्र अज़कार होए जो सोनी पाक नाम पढ़ी गया अपनी बरगाह कबूल फरमा। या अल्लाह इस पाक कलाम दे सवाब मरहूम दे रूह नूं पेश कर दे कबूल फरमा। अपने रहमत दे खजाने दे मेरे मौला सोनी पाक कलाम दे सवाब सोने प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बरगाह पेश कर दे कबूल फरमा। अलैहिस्सलाम दे वसीला जलीला सारे अंबिया इकराम साहबे इकराम शहादा इस्लाम दे कुकार मुहम्मद रसूल दी नाल कुल वली लिल मोमिनीन गौस कुतुब दाल कलंदर दे रूह नूं बख्श के जो भी साहिब ईमान उम्मत मुहम्मदिया दार फानी तू कलमा गो रुखसत हो गया सारे दरूने दे सवाब पेश कर दें कबूल फरमा। खास कर मौला फौजी अब्दुल रशीद दरूने सोने पाक कलाम दे सवाब पेश कर दें कबूल फरमा। या अल्लाह इस पाक कलाम के तवसल से मरहूम की कब्र नु मुनव्वर फरमा। या अल्लाह मरहूम की कब्र नु कुशादा फरमा। या अल्लाह मरहूम दे दर्जात बुलंद फरमा। असी सब हाजरीन महफिल दे माँ बाप की बख्शिश मगफरत फरमा। जिन्हां दे वालिदैन जिंदा ने मौला उन्होंने ईमान की सलामती अता फरमा। या अल्लाह मरहूम दी अमानतों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मरहूम दी अहलिया मोहतरमा इज्जत की चादर अता फरमा। मरहूम की बच्ची ने मेरे मौला शर्म हया और इज्जत वाली जिंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह मरहूम दे बच्चिया बच्चा घर वाली मेरे मौला सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमा। सानू सारी हाजरीन महफिल ईमान वाली नेकिया वाली सेहत वाली जिंदगी अता फरमा। हर मुसलमान गैबी हसास से महफूज फरमा। जितने भी बीमार ने ला इलाज ने मेरे मौला सब दे हाल ते रहम करम फरमा। या अल्लाह जो उम्मत मुहम्मदिया दार फानी रुखसत होगी सारी दी बख्शिश फरमा। खास कर इस कब्रस्तान के अंदर खसूसी रहमत का नजूल फरमा खसूसन।